वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसका फॉर्मेट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सो बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो शो करती है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस को। इससे पता चलता है कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं। और इसके अंदर जो चीजें शामिल हैं, इसके अंदर इसका टाइटल होता है, इसके अंदर सबसे पहले नेम आता है कंपनी का नेम, फिर उसके बाद नेम ऑफ स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट खुद है, और उसके बाद पीरियड जिस पीरियड के लिए इसको बनाया जा रहा होता है। और इसमें दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है और दूसरी साइड होती है लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी की। अब इसको देखते हैं तब आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये आपके सामने बैलेंस शीट मौजूद है। सबसे ऊपर इसमें जो है वो जो इसका टाइटल है उसमें सबसे पहले कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा जो कि यहाँ पे है परफेक्ट पोस्टर्स इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है लिखा हुआ जो कि टाइटल है इस स्टेटमेंट का, और उसके बाद एज ऑफ दिसंबर 31, 2004। ये इसका पीरियड है जिस पीरियड के लिए इसको बनाया गया। लेफ्ट साइड जो होती है नॉर्मली वो एसेट की साइड होती है, और एसेट्स में सबसे पहले आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले है कैश, फिर है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर अकाउंट रिसीवेबल, और उसमें से माइनस किया गया है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी डाउटफुल अकाउंट्स। उसके बाद है फिर मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फिर नीचे है टोटल करंट एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे है $57,210। उसके बाद आया था फिर करंट एसेट्स के बाद फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, और उसमें से उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया जा रहा है, और इसके अलावा इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट्स में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया जा रहा है, तो फिर टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। और उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स को भी लिखा जाता है इसमें, एक तरफ करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, और उसके नीचे फिर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर फिर पेटेंट्स आ गया और ट्रेडमार्क आ गया, और फिर टोटल इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे है 8,000। और जब इन तीनों एसेट्स को जब ऐड किया गया तो इनका जो टोटल निकला वो निकला $173,090। और इसकी जो राइट साइड होती है नॉर्मली वो होती है लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी की साइड। इसमें सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी के अंदर है अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल्स और टैक्सेस पेबल। जितने भी पेबल्स होते हैं ज्यादातर वही होते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। इसका जो टोटल अमाउंट है करंट लाइबिलिटीज का वो है $21,935। करंट लाइबिलिटीज के बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो तरह की होती है, करंट और लॉन्ग टर्म, जनरली दो तरह की। और इसके अंदर आता है फिर नोट्स पेबल 8% ड्यू 2006, बॉन्ड्स पेबल 8% ड्यू 2008, और फिर जो है टोटल जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं वो हैं 40,000। और टोटल लाइबिलिटीज को ऐड के लिए जब करंट और लॉन्ग टर्म को ऐड किया गया, और फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के अंदर ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी जो होती है इसमें एक कॉमन स्टॉक है यहाँ पे $5 पर, और इसके अलावा एडिशनल पेड इन कैपिटल भी है, और उसके अलावा रिटेन अर्निंग भी यहाँ पे आ जाती है, वो अर्निंग जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा उसको रिटेन किया जाएगा। और फिर जो नीचे टोटल्स ऑनर्स इक्विटी जो आई वो आई 1,11,155। और फिर जो है नीचे टोटल दिया गया है टोटल लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का जो कि बनता है 1,73,090। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होगी, और हमेशा ही दोनों साइड्स इक्वल आएंगी जब भी बैलेंस शीट बनेगी। अगर ये दोनों में से कोई एक साइड ज्यादा होती है या कम होती है तो यकीनन बैलेंस शीट बनाने के अंदर कोई ना कोई एरर आया है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट क्या है और इसका फॉर्मेट आपसे शेयर किया। मजीद वीडियोस के अंदर आपसे मजीद डिटेल में वीडियोस के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है और वैल्यूज कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी और किस तरीके से वैल्यूज को लिखा जाएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां जाके आप इस स्लाइड को भी हासिल कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।